जी, जैसा कि इस वक्त हम नफीसा शाह साहबा के घर मौजूद हैं जो कि रुकन कौमी असेंबली है, आइए इनके घर चलते हैं और इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवा जबीन। इस वक्त हम जो है बहुत ही सीनियर शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली नफीसा शाह साहिबा के घर मौजूद हैं जो कि साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह की साहबजादी हैं। मज़ीद हम इनसे बातचीत करके और इनके बारे में मालूमात करते हैं। जी हाँ, साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह की साहबजादी नफीसा शाह साहिबा, जितना खूबसूरत नाम है नफीसा वैसे ही नफीस बात करती हैं और दिल चाहता है वो कहती रहें और हम सुनती रहें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम सरवत, बहुत अच्छा आपने प्यारा इंट्रोडक्शन किया, उसका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे देखने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आपके बारे में और मज़ीद जान सकें और हमारे जो यंगस्टर्स हैं। सरवत, पहले तो मैं ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का चैनल है, मैं उनकी जो मैनेजमेंट है और आप सब पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूँगी। बहुत अहम ये आपकी काविश है और एक ये पुल की तरह किरदार अदा करेगा हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी आज भी, जिनकी रेमिटेंसेस इस मुल्क को बहुत अहम है हमारी मईशत के लिए। ये रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ुद हमारे लिए बहुत अहम है, उनकी जो खिदमत है मुल्क के बाहर रहकर हर ख़ानदान हमारे मुल्क की आप समझें कि एक एम्बेसडर है हमारे मुल्क के लिए, सफारतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके नाम पर एक ये चैनल बना है और मैं आपसे कमिट करती हूँ कि जब भी आपको ज़रूरत हुई मेरे व्यूज़ की, मेरी जमात के व्यूज़ की, तो मैं आपके लिए आई विल बी अवेलेबल। तो बहुत शुक्रिया, तारुफ आपने करा लिया, हमारा आगे होगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हूँ, ये मेरा थर्ड टर्म है। पार्टी की मेहरबानी से ये मुझे उन्होंने एक मौका दिया कि मैं जनरल नशस्त पर आऊं, और पार्टी की ये भी मेहरबानी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे सियासत में एंट्री दी और मुझे नॉमिनेट किया कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की खदमत कर सकूं, आवाम की खदमत कर सकूं बहैसियत एक कारकुन। तो मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कारकुन हूं। मेरे वालिद, आपको पता है कि तीन नस्लें हो गई हैं भुट्टो ख़ानदान की, उनकी पार्टी की खदमत करते आ रहे हैं। 1968 जिस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम पाया, उस साल से लेकर आज तक उन्होंने साबित कदमी से पाकिस्तान की भी खदमत की, अपनी जमात की खदमत की, जमात की लीडरशिप की खदमत की, और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी साथ दे रहे हैं, हम उनके साथ हैं और पार्टी के इस वक्त साथ हैं। तो मैं बहैसियत रुकन कौमी असम्बली अपने अवाम और अपनी जमात सिंध जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के जो तवक्कुआत हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उन पर पूरा उतरें और अपनी अवाम की खिदमत करें। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए कि आपका जो है स्टार्टिंग जर्नलिज्म से हुई, तो जर्नलिज्म से लेकर सियासत ये सफ़र कैसे रहा आपका? अच्छा, ये मैं अगर कहूँ कि तीसरा जन्म है मेरा ना, वो कहते हैं सात जन्म, वो तो हमारे जो हिंदुइज्म है उसमें वो कहते हैं कि आपके कई जन्म होते हैं, लेकिन मैं अगर इस ज़िंदगी में देखूं कि ये मेरा तीसरा जन्म है। पहला जन्म जो करियर वाइज जन्म अगर हम कहें तो मेरा पहला करियर जर्नलिज्म में था और मेरी परवरिश जो उसमें जर्नलिज्म ने की वो मेरी रोल मॉडल रही हैं मोहतरमा रज़िया भट्टी साहिबा। बहुत उन्होंने जर्नलिज्म की खिदमत की और एक जरीदा निकलता था न्यूज़ लाइन जिसका नाम था, बहुत अच्छा जरीदा मैगज़ीन था, उसमें मैंने उनसे ट्रेनिंग सबक भी सीखे, ट्रेनिंग भी ली और फिर काम भी किया बहैसियत जर्नलिस्ट। और आपको खुशी होगी सुनकर, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी खुशी होगी कि वहाँ मैंने जो कुछ मकाले लिखे या कॉलम लिखे या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की उस पर मुझे एक APNS अवार्ड भी उस ज़माने में मिला। दूसरा मेरा जन्म या दूसरा करियर पाथ मेरा ये हुआ कि मैंने फिर एकेडमिया की तरफ मैं गई, क्योंकि मेरा अपना रुझान मुताला है, ज़्यादा स्टडी मैं करती हूँ, लिखती भी हूँ,
तो मैंने फिर मुझे मौका मिला कि मैं ब्रिटानिया शिवनिंग स्कॉलरशिप मुझे मिली और उसके तहत मैं ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में पहले मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स के बाद मैंने पीएचडी भी किया। और ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिलखसूस जो यूके में रहते हैं उनको खुशी होगी सुन के कि मैं वहाँ जो डिपार्टमेंट है एंथ्रोपोलॉजी का उसमें पहली पाकिस्तानी थी और पहली पाकिस्तानी थी जिसने मास्टर्स किया डिपार्टमेंट में, पहली पाकिस्तानी थी जिसने पीएचडी किया और पहली पाकिस्तानी थी जिसने फिर किताब भी लिख दिया। मेरा जो स्टडी है वो पाकिस्तान में जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं उस पे मैंने एक डिटेल्ड स्टडी की और उसके पे ऊपर मैंने किताब भी लिखा है। वो किताब नेट पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर उसकी दो शाये हुई हैं एडिशंस। एक एडिशन यूके में एक एंथ्रोपोलॉजी की स्पेशलाइज्ड किताब का पब्लिशिंग हाउस है बर्गान प्रेस, एक उनका पब्लिश किया किताब है। दूसरा यहाँ ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का पाकिस्तान में पब्लिशिंग हाउस है, दूसरा एडिशन यहाँ है, दो एडिशंस हैं अलग अलग। तो वो किताब भी है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो उसको पढ़ भी सकते हैं। उनमें मेरा दूसरा पहलू है और अब ये तीसरा पहलू जो आपने देखा मेरे ज़िंदगी का वो सियासत है, उसमें मेरे ख़ानदान का मेरी जमात का हाथ है ज़्यादा मुझसे, मैं समझती हूँ। तो उन्होंने आके मुझे इधर एक प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म में मैंने कोशिश की है कि अपने इलाके की खदमत करूँ और सिंध की और अपने मुल्क की भी खदमत करूँ। और पार्लियामेंट में ये मेरा थर्ड टर्म है, पार्लियामेंट में कानून साजी हो, डिबेट हो, पार्टी की नुमाइंदगी हो, आवाम की नुमाइंदगी हो, कोशिश करती हूँ कि मेहनत करके अपना होमवर्क करके और केस प्रेजेंट करूँ आवाम का। अच्छा मैडम, खैरपुर से आपका ताल्लुक है, खैरपुर में नामवर शख्सियात जैसे कायम अली शाह साहब, पीर पगारा साहब, इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो इनके दौरान सियासी मुकाबला और आगे बढ़ना, अपना नाम किन तकालीफ और किन मराहिल से आपको गुजरना? देखिए, बहुत आपने एक अहम सवाल किया खैरपुर की सियासत के हवाले से। तो खैरपुर का जो नाम है ये बड़ी बड़ी गद्दियाँ वहाँ हैं, दो बड़ी गद्दियाँ हैं, एक पीर पगाड़ो जिनका एक तारीख है, बहुत उनकी बहुत मजबूत फैमिली है, उनका बहुत पूरे सिंध पे आपने देखा होगा कि बड़ी जमात है और इनकी वैसे भी पीरी मुरीदी बहुत बड़ी है और वो सेंचुरीज पहले से है। ये बरतानिया का जो राज जिस वक्त था तो इनके ग्रैंडफादर जिसको सूर्य बादशाह कहते हैं, उन्होंने बरतानी राज के ख़िलाफ़ बगावत की, उठ खड़े हुए और वो नेशनलिस्ट थे, कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने एक इनकी फैमिली का एक किरदार है फिर पाकिस्तान में भी। इसी तरीके से पीर ज़वरानीपुर बहुत बड़ी गद्दी है। तो ये पहले खैरपुर ये पीरों मुरीदों के हवाले से। फिर तीसरा जो पहलू है खैरपुर का वो टालपुर फैमिली है जिन्होंने हुक्मरानी की खैरपुर में। जब बरतानिया लेड जो यहाँ कॉलोनाइजेशन थी, उन्होंने सिंध के ऊपर जब हमला किया और सिंध एनेक्स किया कॉलोनियल इंडिया में, तो उसमें एक खत्ता छोड़ा उन्होंने, बाकी जो स्टेट्स थे वहाँ, एक टालपुर स्टेट थी, उन्होंने वो ज़म्न हो गई, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हो गए, मां सिवा एक खत्ता जो इंडिपेंडेंट रियासत रहा पाकिस्तान के बनने के बाद तक भी, और वो थी खैरपुर रियासत। सिंध में ये वाहिद रियासत थी जो पाकिस्तान बनने के बाद तक भी 1955 में ये ज़म्न हुई है। तो ये भी एक फैमिली थी। ये तो तीन ये बड़े बड़े घराने खैरपुर में थे। हमारा घराना बहुत ही मॉडस्ट हमारे ओरिजिन्स हैं और मैं इसमें क्रेडिट दूंगी अपने वालिद को, जो उन्होंने जिस किस्म की सियासत की वो वही सियासत थी जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े की सियासत थी। और वो ये सियासत का फ़लसफ़ा ये था कि ताकत जो है न पीरों के पास, अल्टीमेटली न पीरों के पास, न रूलर्स के पास, न किंगशिप के पास, ताकत जो है वो अवाम के पास है एवेंचुअली। और फिर उन्होंने क्योंकि ये सियासत अवामी सियासत की, एक बहसियत एक वकील उन्होंने अपना एक इलाके में किरदार अदा किया, तो बहुत जल्दी वो मकबूल हुए। और ये उनका क्रेडिट और फिर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने अपने इलाकों में पूरे मुल्क में जो जो लोग आजिज थे, अवाम से खिदमत गार थे, उनको उन्होंने अपनी टीम में सेलेक्ट किया और मेरे वालिद को उन्होंने आके सेलेक्ट किया। और फिर मेरे वालिद ने एक पॉपुलर पॉलिटिक्स शुरू की और आपने देखा होगा कि 1968 से आज तक
कोई इलेक्शन ऐसी नहीं है, एक इलेक्शन थी जो उसमें बहुत भरपूर धांधली थी, जिसमें पीपल्स पार्टी के एक 10-15 सीटों पर महदूद किया जो उस वक्त थी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो मासवा एक इलेक्शन के उन्होंने सब इलेक्शंस जीती हैं, आवाम ने भी उनको भरपूर उनको सपोर्ट और खराज तहसीन पेश की है, और फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की हो या सिंध की खिदमत भी की है। आज भी वो इदारे कायम हैं, आप जिस तरफ देखेंगे आपको एक निशानी मिलेगी, जिसमें ज़्यादा किरदार हम ऑफकोर्स हमारी पार्टी के फ़लसफ़े का, पार्टी की क़ियादत का है, लेकिन थोड़ा एक छोटा सा किरदार मेरे वालिद का और हमारी फैमिली का भी है। अच्छा मैडम, आप खैरपुर ज़िले की नाजमा रह चुकी हैं, तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, और कोशिश की। आज भी लोग मेरे टाइम, मैं उनकी मशहूर हूँ कि वो याद करते हैं कि मैडम आई तो हमारे काफ़ी काम हुए थे। पूरे ज़िले पे मेरा एक अच्छा, आई वाज लाइक फ्रेंडली नाजम, लोगों के साथ मेरी एक्सेस थी, टाइम मैंने बहुत दिया। हालांकि आपको यह हैरत होगी सुनकर कि मैं एक पीएचडी की स्टूडेंट थी, और फिर क्योंकि मुझे यहाँ आके इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने पड़े, तो मैंने अपनी पीएचडी सस्पेंड की, अपनी वो जो ज़िंदगी है उसको एक होल्ड करके इधर आई, और फिर मैंने बहुत टाइम दिया लोगों को ना, मैंने 24/7 लोगों की खदमत की। हालांकि मुझे वापस जाना था अपने यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने वो सस्पेंड करके 4 साल खैरपुर को दिए, और फिर मुझे मौका मिला कि मैं अपनी पार्टी, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक विज़न था, वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं आऊं और अपने डिस्ट्रिक्ट को सर्व करूं, तो मैंने कोशिश की कि मैं, उस ज़माने में हमने 2-2 लाख रुपए के 30-35 स्कूल बनाए, 2.5 लाख, आप देखें 2.5 लाख क्या है, कमरा भी नहीं बनता, तो हमने पूरी स्कूल बिल्डिंग्स बनाई, एक सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड में जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलपमेंट का क़याम था, उसके तहत हमने बहुत, हमने 100-150 मंसूबे दिए, हमने कई सारे रोड दिए, हमने स्कूल्स दिए। उस ज़माने में मैंने अपने हलके में बच्चों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को यूनिफॉर्म्स दिए थे, बच्चों को, तो काफ़ी मौका मिला और सीखा भी और खिदमत करने का भी मौका मिला। एंड अगेन आई एम ग्रेटफुल कि मुझे अपनी जमात ने और मेरे वालिद ने और फैमिली ने और हल्के के लोगों ने बहुत सपोर्ट की। अच्छा मैडम, आप एक बहुत बड़े सियासी ख़ानदान से ताल्लुक वाबस्ता है, वालिद साहब आपके, और आप कभी कोई स्कैंडल नहीं सुना, कभी ये राज किया है? देखिए स्कैंडल मुझे नहीं पता, मैंने तो, क्योंकि शख्सियात तो रहती हैं स्कैंडल्स के जद में, आप लोग माशाल्लाह। एक तो स्कैंडल्स को हम एक तशरीह करें, स्कैंडल्स के, स्कैंडल पावर के साथ आते हैं, कुछ सही कुछ गलत। बहसियत नाजम मैंने कोशिश की कि मैं ऑनेस्टली सर्व करूँ, को कोई जैसे अपना कोई बंदा पहले कहता है मैं अपनी पोजिशन में हूँ पावर में, तो मैं क्यों नहीं अपने आप को कंसोलिडेट करूँ और पैसे बनाऊँ। तो मेरी ख्वाहिश, मेरी क्या, हमारे पूरी फैमिली का ये है कि जो कुछ मिला है वो एक अमानत है और लोगों का ट्रस्ट है, तो जो कुछ है हमारे पास तो वो अपना बिजनेस, अपना माल को एक तरफ रखना है, और जो हमें एक दयानतदारी बहुत अहम है, जो कुछ रियासत और मुल्क के वसाइल हैं, ख्वा वो मुल्क की हमारे असासे ज़मीनें हैं। मैं दुश्मन थी जो जो लोग कब्ज़े करते थे, मैं उनकी दुश्मन थी, मैं जाने जाती थी, मैंने कब्ज़े मैंने खाली कराए, क्योंकि मेरा ये ख्वाहिश थी कि हम सरकारी ज़मीन जो है वो कल को हमें, हमारी मिल्कियत इस मुल्क की, हमारे मुल्क की दौलत वही है सरकारी, जो हमारे असासे हैं। तो मेरा ये शौक़ रहता था कि सरकारी जो वरसा है, सरकारी जो अमानत है, उसको, उसकी मैं कस्टोडियन बनो, प्रोटेक्ट करती थी। इसी तरीके से जो दयानतदारी, मतलब बंदा अपने प्रॉफिटियरिंग जो है वो सियासत में उसका दखल नहीं होना चाहिए, जो कुछ है वो आवाम के आप ट्रांसफ़र करें ना। तो कोशिश ये रही है, मेरे वालिद की भी यही कोशिश रही है, आपने देखा कि उनके भी कई साल उनके गुजरे हैं, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई छोटे मोटे एक रवायती नैप के कोई केसेस बनाए हैं जिनमें कोई दम नहीं है, लेकिन अगर आप हमारा रहन सहन और हमारा तौर तरीके देखें तो हम कोशिश करते हैं कि आवाम के करीब रहें और अपनी जो प्राइवेट इंटरेस्ट्स हैं उनको पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर तरजीह ना दें।
Kappa Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kappa Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kappafusion.com for more information. अच्छा मैडम, आपने बिलावल साहब के साथ काम किया, आसिफ जरदारी साहब जो कि सदर रह चुके हैं, मोहतरमा साहिबा के साथ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया, आपने क्या फ़र्क महसूस किया, बुनियादी फ़र्क, या आपको क्या मतलब इनमें शख्सियात के हिसाब से? देखिए, ये बहुत एक मुश्किल सवाल है। पहले तो मैं ये कहूँ कि बीबी शहीद के साथ मैंने काम किया, लेकिन बराह रास्त जैसे करना चाहिए था वैसे इसलिए नहीं कर पाई कि जिस वक्त बीबी शहीद और हमारा आपस में रابطہ बीवी का और बाबा मेरे वालिद का तो बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। वो उस ज़माने से जब अंकल सब अंकल्स छोड़ गए थे बीबी शहीद को, तो मेरे वालिद जो हैं वो शायद उन चंद अंकल्स में से हैं जो जिन्होंने उनका साथ दिया। मुश्किल टाइम में वो खड़े रहे पार्टी के साथ और आज तक वो खड़े हैं। तो भुट्टो ख़ानदान के साथ, जैसे हमने कहा कि हमारा भुट्टो ख़ानदान के साथ भी एक ताल्लुक रहा है कंसिस्टेंटली, और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके साथ ताल्लुक़ रहा है और कई नस्लों से रहा है। तो इस वक्त भी मुझे ये फ़ख्र है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैंने काम किया, और शहीद मोहतरमा का वो बेटा है और बहुत उसके लिए इज़्ज़त है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द अज़ इंशाल्लाह वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म, हम उनको देखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मंजिल जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस जो तयन किया था कि इस मुल्क को उस मंजिल पर पहुंचाना है, उनको बहुत दिक्कतें मिली और उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो हम चाहेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उस मंजिल तक पहुंचे और बहैसियत वज़ीर आज़म इस मुल्क की खिदमत करें। अच्छा मैडम, आपके वालिद साहब सईद कायम अली शाह साहब माशाल्लाह 3 मरतबा वज़ीर आला रहे सिंध के, अगर आपको ये ज़िम्मेदारी दी जाए तो आप क्या करेंगी सिंध की आवाम के लिए, या आप किस तरह से इसको लेके चलेंगी? देखिए, ये सवाल मेरे हिसाब से इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की ये फ़ैसला होगा कि पार्टी किसको क्या ओहदा देती है। पार्टी ने मुझे जो मनसब दिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का, बहुत अहम था और मैंने कोशिश की कि उसको, और पार्टी ने मुझे नाजिमशिप भी थी उसमें भी मैंने कोशिश की कि उसके उनके मयार के ऊपर उतरूँ और आवाम का जो स्टैंडर्ड है कि आवाम की खिदमत करूँ, और उसके बाद जो बहैसियत MNA वो भी पार्टी ने ही नॉमिनेट किया, मुझे सिलेक्ट किया और उसके बाद आवाम ने वोट किया। तो पहला पॉइंट तो पार्टी है, पार्टी आपको समझती है कि आप अहल हैं तो पार्टी आपको वो उस मनसब पे देती है। तो मेरी ये कोशिश रही है कि जो भी रोल पार्टी दे, और अगर पार्टी ना भी दे तो बहैसियत वर्कर, हम सब की ये तरबियत रही है कि आपको बहैसियत वर्कर, बिकॉज क़यादत जो है वो आपकी एक है और उसके बाद सब वर्कर्स हैं, तो बहैसियत वर्कर हम पार्टी जिस भी ओहदे पर हमें दे तो हम आवाम की और पार्टी का जो विज़न है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो रोटी कपड़ा मकान, जो बुनियादी बेसिक नेसेसिटीज़, जो आज भी मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो से कोई भी जमात मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि हमने जो आवाम से वादा किया है वो उनकी बुनियादी हकूक़ का, बुनियादी सहूलतों का वादा किया है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ वाला जो एजेंडा है, उस पर अगर आप उस रोड पर रहें तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते, कि आवाम की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आवाम क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक साफ़ सुथरा, उनको रोज़गार मिले,
उनको एक छोटा सा घर मिले और उनको एक इतनी सहूलियात हों कि वो दो वक्त की रोटी खा सकें। और तो ये जो रोटी कपड़ा मकान वाला जो एजेंडा है उसको फिर हम किसी भी शेप में हम प्रेजेंट करें। आगे फिर बीबी ने उसके ऊपर बिल्ड किया, अब हमारे चेयरमैन उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं और आसिफ जरदारी साहब उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, दिफरयाल टालपुर साहिबा उसके ऊपर बिल्ड कर रही हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम उस एजेंडा पर फिर जिस लेवल पर भी खिदमत का मौका मिला, पार्लियामेंट के अंदर वो मिला, अपने हलके में मिला या किसी और मुल्क के किसी ओहदे पर मिला, तो इंशाल्लाह इसी एजेंडा पर काम होगा और वो खिदमत होती रहेगी। अच्छा मैडम, ये बताएं अगर कोई शख्स सियासत में आना चाहता है तो इसमें कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है? दौलत, सिफारिश, शोहरत, सियासी बैकग्राउंड या गैर जमहूरी अहदा, कोई जो रेफरेंसेस वगैरह, क्या? मेहनत और शौक। मेरे ख्याल से अगर जिसको शौक है, जिसका पैशन है और जो मेहनत करे और जो आवाम के साथ उसका अच्छा रابطہ हो, ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन एंट्री पॉइंट सियासत में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस वक्त तक उस लेवल की पॉलिटिक्स नहीं आई जब कोई भी बंदा कहे कि मैं कल MNA बनूं और एक हलके में उठ जाए, तो नहीं। उसको फिर अपनी जमात में पहले उसको एक किरदार अदा करना पड़ता है और फिर जमात तो उसको वो लेकर आगे आती है। लेकिन इस वक्त सियासी घराने हमारे मुल्क में सियासी घराने हैं और उन सियासी घरानों ने क्योंकि एक बेसिस बनाई है तो उनको एक एंट्री पॉइंट इजी मिल जाता है। लेकिन एक और भी प्लेटफॉर्म है जो पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको वो प्लेटफॉर्म देती हैं और वो है बहसियत वर्कर। जब पार्टी में, जैसे अगर आपको शौक है तो आप पहले आएँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहसियत वर्कर काम करेंगे, उसके बाद आप किसी ओहदे पर आ जाएंगे। बहसियत उस ओहदे से अगर आप तरक्की करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर आप आ जाएंगी और अगर पार्टी ने ये महसूस किया कि आप अपने हलके में वोट कैच करेंगी या वोट अट्रैक्ट करेंगी तो पार्टी आपको सीट देगी। तो इसलिए बहुत मेहनत का काम है, आपको शौक होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और आपको ऑफकोर्स एक किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक होना चाहिए, तो फिर आप सियासत में कामयाब हो जाएंगे एक न एक दिन। अच्छा मैडम, PDM नाकाम क्यों हो जाती है? मतलब PDM के बाद अब सियासी जमातों ने तो तौबा कर ली है, मतलब इत्तेहाद बनता है फिर टूट जाता है? देखिए, PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ये विजन का हिस्सा थी, आसिफ जरदारी साहब थ्रू आउट, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनका बहुत तजुर्बा है और उन्होंने भी कोलिशन पॉलिटिक्स बहसियत सदर उन्होंने कोलिशन चलाई है। इस मुल्क में कोलिशन सियासत बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए और वो सबको साथ लेके चलते थे, चेयरमैन की भी ये ख्वाहिश थी कि सबको साथ लेके चलें। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसा कि ऐसी मैं समझती हूँ कि ऐसे फैसले गन पॉइंट पर कराने की कोशिश की जिससे बहुत दिल आज़ारी हुई हमारी जमात की। हम अब भी आज भी ख्वाहिशमंद होंगे कि हमारी बहसियत ऑपोजिशन हम मिलजुल कर PDM का प्लेटफॉर्म हो या पार्लियामेंट के अंदर हो, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, हम मिलजुल कर काम करें। और इस वक्त जो ऐसी हुकूमत आई है जिस मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत आई है और बदतरीन हुक्मरान आए हैं, नाअहली की इंतहा उन्होंने कर दी है, कोई चीज़ उनसे सही नहीं होती। कभी इतनी महंगाई हमने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में जितनी ये महंगाई की सुनामी लेके आई है। कहते हैं ना कि जब आप केयरफुली आप बात करें अपने मुंह से, कोई ऐसा ना हो कि वो चीज़ वैसी हो जाए। तो खान साहब सुनामी सुनामी करके इस मुल्क को उन्होंने टिड्डी दल की सुनामी दे दी, कोरोना वायरस की सुनामी दे दी और महंगाई की सुनामी दे दी। तो आवाम जो हैं इस वक्त बहुत ही मजबूर हैं और ये खान साहब की एक अकड़ और उनकी जो आवाम के साथ एक धोखा और दगा, उसके नतीजे में आज ये हाल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको इस नासूर से मुकाबला करना है तो बेहतर है कि हम लोग साथ मिलकर करें, एटलीस्ट जैसे ऐवानों में और बाहर भी। अगर PDM मिल जाती है तो एक अच्छी बात होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को फिर ये जो दो जमातें हैं PMLN और मौलाना साहब, इनको एफर्ट करना होगा और हमने कुछ अपने CC में फ़ैसले किए थे उसके मुताबिक अगर वो
उसके पास उस पर कुछ अमल करते हैं तो फिर एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, आज भी होनी चाहिए, और अच्छी बात होगी अगर किसी न किसी फोरम पे ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाए। अच्छा मैडम, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी सिंध तक ही महदूद होकर रह गई है, और इसका ज़िम्मेदार कौन है, मतलब ये क्या कहेंगी, पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या है? देखिए, इस मुल्क की ये बदकिस्मती अगर हम देख लें कि इस मुल्क में बेहतरीन लीडर्स पैदा किए हैं, हम तो स्टार्ट करें कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसने एक ख्वाब जो है वो ख्वाब भी एक विज़न उनकी थी और इस विज़न पर उन्हें ताबीर भी कराई, लेकिन वो जो अल्टीमेट उनका ख्वाब था कि पाकिस्तान एक पावरफुल वेलफेयर नेशन हो जो इस्लाम और फिर बैन अल-अक़वामी वर्ल्ड में अपना एक नुमाया किरदार अदा करे बैन अल-अक़वामी दुनिया में, तो वो अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है। लेकिन जो लीडर्स उसके बाद आए और जिन में वो अहलियत थी इसको, इस ख्वाब को पूरा करने में, उनके साथ जो हशर हुआ है, दो बैन अल-अक़वामी लीडर्स मेरी जमात ने, बाकी भी बहुत लीडर्स आए गए और बहुत इज़्ज़त है सबके लिए, लेकिन मेरी जमात ने दो बैन अल-अक़वामी लीडर्स इस मुल्क को दिए, एक शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बदकिस्मती से दोनों को जो है शहादत मिली। और ये जो अनटाइमली डेथ्स होती हैं, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कितनी एज के थे, 52 इज़ नथिंग, वो तो स्टार्ट कर रहे थे अपना सियासी करियर, उनको आपने एक अदालती कत्ल के ज़रिए उनको आपने इस मुल्क की जो उन्होंने खिदमत की या करना चाहते थे उसको एक सडनली आपने वो उस पर स्टॉप किया, उसको शहादत के बाद ऑब्वियसली वो एक ब्रेक हो गया उस सिलसिले में, उससे मुल्क आपका बहुत पीछे चला गया और यकीनन पार्टी को भी बहुत नुकसान हुआ। आपने देखा कि यके बाद दीगरे अंकल्स छोड़ गए और शहीद बीबी 25 साल की उम्र में उसने नए सिरे पार्टी तामीर की। फिर जब शहीद बीबी तैयार हुई बहैसियत लीडर तो उनको भी मौका वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, जो वो खिदमत करना चाहती थी, उनको भी अनटाइमली जो उनकी डेथ हुई, अनटाइमली डेथ हुई। उनको एक अगेन एक यहाँ लियाकत बाग में जो सानिया पेश आया जिसके नतीजे में उनकी शहादत हुई, वो ये जो इंसिडेंट्स हैं, एक लीडर बनते 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 एक जनरेशन ज़रूर लगती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो बैन अल-अक़वामी लीडर्स जो हैं उनको जो शहीद किया गया और उससे पार्टी को यकीनन एक ज़रूर हुआ। और ये वही साजिश है जो कहते हैं कि सिंध को में पीपल्स पार्टी महदूद है, ये वही अनासिर हैं जो अनासिर बीबी शहीद की शहादत में मुलव्वस हैं, ये वही गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जिन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आवाम से जुदा किया। और इस वजह से ये एक पीपल्स पार्टी को महदूद भी इसी साजिश के तहत किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर पूरे मुल्क में हैं, मैंने पूरा मुल्क घूमा है, कश्मीर में मैंने जितनी पार्टी मजबूत देखी है शायद सिंध से मुकाबला करेगी या सिंध से ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में जो मैंने पार्टी देखी है वो शायद सिंध से मुकाबला करेगी, ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। पंजाब में मैंने ऐसे वर्कर्स बीबी के चाहने वाले देखे हैं जो अगेन सिंध के वर्कर्स के साथ उनका भी मुकाबला है, वो भी वैसे ही हैं जैसे सिंध के वर्कर्स प्यार करने वाले हैं। केपी में भी मैंने देखा है शहीद बीबी के चाहने वाले, शहीद भुट्टो के चाहने वाले, पार्टी के फ़लसफे के चाहने वाले, बलूचिस्तान में भी मैंने देखा है। तो पार्टी हमारी जगह जगह है और ये एक इस मुल्क में वही साजिश चल रही है कि जो अवामी सियासत करना चाहती हैं, पीपल्स पार्टी एक अवाम में यकीन रखती है, उनको इन्होंने महदूद किया है कि जैसे गैर जमहूरी कुव्वतों, जैसे ये सिलेक्टेड तशरीफ़ का टोकरा जैसे लेके आए हैं खान साहब, फिर ऐसे सिलेक्टेड को मौका मिल जाता है। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों में है, इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन, हमारी क़यादत जब निकलेगी तो हमारी पार्टी जो है एक बार फिर सारे मुल्क में मकबूल पार्टी है और इंशाल्लाह रहेगी। At
Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. अच्छा मैडम, आपको मौसीकी से कितनी दिलचस्पी है? ख़त किताबत से, पढ़ने से, पेंटिंग से, स्पोर्ट्स से, ज़्यादा किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका? जी, इंटीरियर्स का भी बहुत शौक है, रंगों का मुझे बहुत शौक है। मैं हर चीज़ को आर्ट के एंगल से देखती हूँ, एस्थेटिक के एंगल से देखती हूँ। तो म्यूज़िक का भी शौक़ है। म्यूज़िक मुझे, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी म्यूज़िक मेरी बहुत फेवरेट रही है। 70s और 80s 90s की जो म्यूज़िक हमारी रही है, 60s की म्यूज़िक हमारे बेस्ट राइटर्स हैं। मुझे सोचना होगा, गुनगुना तो अभी मैं नहीं सकती क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा रह गया है। तो तैयारी करके, और फिर मैं आपका मूड नहीं ख़राब करना चाह रही, मेरी आवाज़ शायद आपको और वो सुर और ना मिले तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि मैडम ने क्या बात की, क्या सॉन्ग्स। लेकिन नूरजहान, मेहदी हसन रहे हैं और ये हमारे हमारे हमारा विरसा है। मैं बहुत उनके ऊपर फ़ख्र है। हमारे जो लिरिक्स जिन्होंने लिखे हैं, म्यूज़िक कंपोजिशन की है पाकिस्तानी, बहुत अच्छे रहे हैं। तो बिल्कुल, हमें अपने जो बॉलीवुड की म्यूज़िक भी मैं सुनती हूँ और हॉलीवुड की भी रिलेटेड वेस्टर्न म्यूज़िक भी मैंने सुनी है। वो तो टीनेज एक शौक़ होता है कि आपको वो टेक्नो टाइप म्यूज़िक जो हमारे भांजे भतीजे सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन जो जो दिल पर है म्यूज़िक वो यही है। हमारी पाकिस्तानी म्यूज़िक बहुत अच्छी है। आज भी हमारे जो OSTs हैं, हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं, उनके OSTs बहुत अच्छे हैं, शौक़ से मैं सुनती हूँ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, राहत फ़तेह अली ख़ान है, आबदा परवीन है, सच ब्यूटिफुल हमारे जो हैं गुलूकार हैं। फोक म्यूज़िक से मुझे बहुत शौक़ है। हमारे जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स और फोक म्यूज़िक पर हमारे मुल्क में ध्यान देना चाहिए। इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स हैं, बेचारे मर खप जाते हैं, इनका कोई ख्याल नहीं, उनकी पेंशन्स होनी चाहिए। आर्टिस्ट्स, जो आर्टिस्ट है, एक डायरेक्ट्री हो आर्टिस्ट की, और आर्टिस्ट्स, क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है रूही बानो के साथ जो हुआ है, खालदा रियासत इतनी अच्छी आपकी एक्ट्रेस थी उनके साथ, शौकत अली, दीज वी नीड टू हैव पेंशंस फॉर देम। और इनको एटलीस्ट पेंशंस के साथ साथ उनको एक आर्टिस्ट फंड होना चाहिए, एक एंडाउमेंट फंड होना चाहिए, जिससे इन आर्टिस्ट की या तो पेंशंस या फिर जो इनके इलाज वगैरह कराया जाए ना। तो एनीवे, बहुत आई फील आई एम एन आर्टिस्ट एट हार्ट। तो उसमें फिर वो रंग वाला आर्ट हो, लिखने वाला आर्ट हो, या फिर जैसे आपने देखा है ये गुलूकारा कार हमारे फिल्म मेकिंग है, ड्रामे हैं, बहुत शौक से मैं देखती हूँ जब टाइम मिलता है, बिकॉज़ आई थिंक इट्स गुड टू हैव एन आई ऑन ऑल दिस कि आपके मुल्क में क्या क्या टैलेंट है और इस टैलेंट को फ़रोग करना ज़रूरत। हमारे मुल्क की जो एक शनाख्त बनती है, वो शनाख्त सिर्फ इतना इससे नहीं बनेगी कि आपकी कितनी बड़ी फ़ौज है, इससे नहीं बनेगी कि आपकी कितनी आबादी है, इससे आपकी शनाख्त नहीं बनेगी कि मतलब, तो आपकी शनाख्त बनेगी कि आप के लोग आपके जब पाकिस्तान को पहचानेंगे तो आपके पॉलिटिशन से ज़रूर पहचानेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी जो सॉफ्ट इमेज है वो आपके फ़नकारों से पहचानेंगे, आपके ड्रामों से। अब हम एर्तुरुल गाजी की बात करते हैं कि वो इतना अच्छा ड्रामा, लेकिन हमने भी तो कई अच्छे ड्रामे पैदा किए हैं, तो वो ड्रामे हमारी शनाख्त बनते हैं, हमारे हमसाए मुल्क हमारे ड्रामे शौक़ से देखते हैं। तो ये सॉफ्ट इमेज के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की आर्ट, पाकिस्तान का आर्टिस्ट जो है, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की हेरिटेज। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि एक अच्छी पुरानी खूबसूरत बिल्डिंग जिसका मुतबादल नहीं हो सकता, कोई 18th सेंचुरी की बिल्डिंग, 19th सेंचुरी की बिल्डिंग जिसका मुतबादल नहीं हो सकता, उसको हम चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए हम उसको गिरा कर एक
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कायम करते हैं जो उसका बहुत बुरा एक वो रिप्लेसमेंट है। तो अगर आपके कल सैयाह आएंगे मुल्क में आएंगे तो मुझे और आपको देखने नहीं आएंगे, वो अगर आएंगे तो हमारे हेरिटेज देखने आएंगे, हमारे जो तारीखी महाग हैं वो देखने आएंगे, हमारे खूबसूरती देखने आएंगे, हमारे जो तारीखी जैसे मक्ली हिल्स है उसको देखने आएंगे, आपके किले देखने आएंगे, आपकी बादशाही मस्जिद देखने आएंगे, आपका मोहनजोदड़ो देखने आएंगे, मुझे और आपको देखने नहीं आएंगे। तो इट इज़ हमारे ऊपर ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हम ये तारीख जो है उसको प्रिजर्व करें, अपने शहरों को खूबसूरत बनाएं, अपने शहरों को महदूद रखें। मेरे ये सारे शौक़ रहते हैं जिसको मैं अपनी सियासत में भी अक्कासी करती हूँ। मैं अपने इलाके में, मेरी एक बैठी हुई कोलीग, मैं अपने इलाके में अपनी औरतों को कहती हूँ अपना हुनर कभी नहीं भूलो, बिकॉज कल को आप इस हुनर को मोनेटाइज कर सकेंगे। वो हाथ का हुनर, इतना हुनर है हमारे हर घर में हुनर है, तो और इतनी खूबसूरत औरतें, हमारी बलोच कल्चर का अलग एक हुसन है, सिंधी कल्चर का अलग हुसन है, पख्तून कल्चर का अलग हुसन है, हमारा बलोची कल्चर का अलग है, तो पंजाबी कल्चर का अलग एक हुसन है। तो इन कल्चर्स को हमें आगे लेकर अपनी शनाख्त मुल्क की आगे जो है उसको प्रोपगेट करना चाहिए। अच्छा मैडम, लास्ट क्वेश्चन है, हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे इस मुल्क से बाहर रहते हैं, आपका प्रोग्राम देखेंगे और उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अच्छा मैम, जैसा आपने बात की सिंध के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, अब तो जैसा कि वर्ल्ड वाइड ये ग्लोबली प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की, तो आर्ट काउंसिल और जहाँ काफ़ी सारी जगहों पे ये वैक्सीनेशन हो रही हैं, कराची प्रेस क्लब में भी जो है मंगल से स्टार्ट हो जाएगा ये, तो कराची प्रेस क्लब जो है हमेशा आगे आगे रहता है, तो कराची प्रेस क्लब के लिए कुछ कहेंगी? और इसके साथ साथ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे ओपीटीवी ग्लोबल देखने वाले हैं उनके लिए कुछ? देखिए, कराची प्रेस क्लब तो स्पेशल है हमारे लिए, मेरा शहर, मैं, मेरा आबाई शहर तो खैरपुर है लेकिन मेरा घर कराची में है, कराची में भी है, तो मैं तो कराची प्रेस क्लब, हमारा सिंध का मरकज़ी प्रेस क्लब है, तो मैं सहाफ़ियों की एक जस्तजू रही है, एक खदमत रही है, एक जमहूरियत के लिए उनकी जदोजहद रही है, तो मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। कराची प्रेस क्लब उसका मरकज़ रहा है, उस जमहूरियत का मरकज़ रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब भी अपनी उनकी मूवमेंट में जिद्दत आती थी तो कराची प्रेस क्लब से उनकी सपोर्ट रहती थी, तो मेरा मैसेज उनके लिए क्या होगा? मैं तो, हम उनका हिस्सा हैं एक, तो मुझे एक शौक होगा अगर कभी ना कभी हमें, मुझे जब मैं सहाफ़ी थी मुझे ये गिला है कि हमें मेंबरशिप नहीं मिली, कराची प्रेस क्लब में एसोसिएट मेंबरशिप देते थे, तो हमारी मोहतरमा रज़िया भुट्टो रज़िया भट्टी साहिबा ने कहा कि मैं उनका ऑनररी वो एसोसिएट मेंबरशिप नहीं लूँगी, मुझे फुल मेंबरशिप चाहिए। तो एनीवे, इंशाल्लाह कभी ऑनररी मेंबरशिप हो सकता है मुझे भी मिल जाए, लेकिन बहुत अच्छा प्रेस क्लब है हमारा, वी आर प्राउड ऑफ ऑल आर जर्नलिस्ट्स। और बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए तो मैंने अपने प्रियम्बल में आगाज़ में ही कहा कि हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठ कर भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान की मईशत को अगर हमें एक बेस देनी है तो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो तजुर्बा है, सिर्फ हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिसी जो रही है इस वक्त भी, हम ये देखते हैं उनके डॉलर्स की तरफ कि कितने रेमिटेंसेस आ रहे हैं, कितने रेमिटेंसेस आ रहे हैं, कितने, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ऐसी इज़्ज़त दें, ऐसी फैसिलिटेशन करें कि वो और उनके बच्चे भी फिज़िकली भी इस मुल्क की किसी न किसी फोरम पर खिदमत कर सकें, और हमें वो बेस दें, वो डेप्थ दें इस मईशत को कि सिर्फ हम रेमिटेंसेस के ऊपर ना डिपेंड करें और हमारी एक डाइवर्स किस्म की मईशत एक बन जाए जिसमें नॉलेज इकोनॉमी जैसे है, मुख्तलिफ जदीद बिजनेसेस हैं, तो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत किरदार वो अदा कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरत है कि हम एक अच्छी जामे पॉलिसी लेके आएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जिसमें वो कम्फर्टेबल हों इस मुल्क में, अगर री इन्वेस्ट करना चाहें, वापस आना चाहें, वापस कोई आके कोई किरदार अदा करना चाहें, तो उनके लिए कोई चैनल्स हों, कोई प्लेटफॉर्म्स हों कि वो इस मुल्क की बराह रास्त पे खिदमत कर सकें।
बहुत शुक्रिया मैडम, आपसे बहुत मज़ेदार और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें रहीं जो कि हमारे नाज़रीन भी देखेंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जी, जैसा कि हम रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा के साथ उनके घर पे मौजूद और उनके साथ हमने बहुत मज़ेदार बातें की और बहुत कुछ हमने इनसे सुना और हमें बहुत मज़ा आया उनसे बात करने में। इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और ज़बरदस्त सी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए सरवर जबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।